अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आर्मी विथ अली बलोच। मैं हूँ अली बलोच। व्यूअर्स, हमने पिछले लेक्चर में जो हमने सीखा था कि किस तरह से हम जो है अकाउंट बना के शॉपे स्टोर पे हम जो है आगे की प्रोसेस में अकाउंट बना के अपनी आईडी में किस तरह से स्टोर को हम रन कर सकते हैं, तो हमने जो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसको हमने एड किया था यहाँ पर प्लान पर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से प्लान जो हैं क्रिएट कर सकते हैं, प्लान बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल 3 मंथ के लिए आप $1 में आप प्लान जो हैं वो ले लें। पहले तो 40 दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा, उसके बाद 3 मंथ आपको पर मंथ जो है $1 पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपका शॉपे स्टोर रन हो जाएगा तो मेरे ख्याल में आपको जो है तकरीबन $20 या $19 जो है आपको रेंट देने की कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगा, अगर आप अच्छा खासा अर्निंग करेंगे तो। फिर नहीं तो फिर जाहिर सी बात है, तो आप पहले से बेरोज़गार बैठे हैं और घर से तो आप पेमेंट नहीं देंगे। फ़िलहाल तो आपको कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एडवांस प्लान को हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्यूचर भी ज़्यादा है और थोड़ा सा ही अच्छा भी है। तो इसको क्या करेंगे, हम क्रिएट प्लान के पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्रिएट प्लान पे क्लिक किया है तो मेरे पास एक यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो गया है। ये मेरे पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि एंजॉय 3 मंथ्स आप POS प्रो फ्री विथ योर एक्सटेंडेड ट्रायल। यहाँ पे आपको इंजॉय करना पड़ेगा 3 मंथ के लिए एक्सटेंड ट्रायल के लिए। तो मैं चूज़ करूँगा इस पर, यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ये थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है। जैसे ये पेज ओपन होगा तो हमारे पास एक इंटरफेस जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी ये मेरे पास जो है इंटरफेस ओपन हो के आया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जी आप जो है मंथली बाय करेंगे या ईयरली। अभी देखें, अगर आप 3 मंथ्स के हिसाब से आप बाय करेंगे तो आपको $488 जो है मंथ पे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो आप $1 पे करेंगे फॉर 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद पर मंथ आपको कितने डॉलर्स देने पड़ेंगे, $488 आपको पर मंथ देने पड़ेंगे। और अगर आप 1 ईयर के लिए बाय करना चाहते हैं पहली बार, तो आपके लिए फर्स्ट मंथ जो है $1 देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको $4,536 आपको जो है 12 मंथ्स के लिए देने पड़ेंगे। ये प्लान एडवांस लेवल का है, अच्छा भी है। अगर आप ऐसा अरेंज कर सकते हैं $400 यानी कि राउंड ऑफ में $500 हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये मेरे से किस्सा बहुत ही लंबा है, मैं ये नहीं बाय करूंगा, तो हम जो है बेसिक प्लान पे वापस चलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करूंगा, मैं बैक कर दूंगा। ये मैं गूगल में आया हूँ, गूगल से मैंने जो है ATM कार्ड वगैरह से इंटर करके मैंने उठाए ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो जो हम कार्ड नंबर देंगे ना, वो ये है आपका कार्ड नंबर, जहाँ पे हमें कार्ड नंबर देना है, ठीक है। ये है वो कार्ड नंबर जो आपको देनी है। थोड़ा सा मैं वापस आ जाऊँ यहाँ पर जो हमसे मांग रहे हैं ना कार्ड नंबर, यहाँ पर ये कार्ड नंबर यहाँ पर मांग रहे हैं यहाँ पर, तो ये हम उसको कार्ड नंबर देंगे। और उसके बाद हमें कह रहा है कि एक्सपायरी यानी कि एक्सपायरी डेट इसका क्या है, ये आपके जो आपका कार्ड है ये यहाँ पे इसका ये एक्सपायरी डेट लिखा पड़ा है, ये आपको इसकी एक्सपायरी डेट आपको जो है प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है।
उसके बाद आपसे यहाँ पे मांग रहा है कि भाई जी ये तो आपने बता दे, उसके बाद CVV जो नंबर है वो आपको प्रोवाइड करते नहीं है। CVV नंबर अभी क्या है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बैक वाला कार्ड देख लूँ, जस्ट अ मिनट, ये हम उठा लेते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, ये मैंने इरेज कर दिया है, ये आपसे मांग रहा है CVV जो आपके ATM के कार्ड के बैक साइड में होगा, यहाँ पे लिखा पड़ा है 123, आपका नंबर आपको ही पता होगा, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे जो है ATM कार्ड पे आपको जो है प्रोवाइड कर देनी चाहिएगा, ठीक है। आई होप के आप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, तो हम चले चलते हैं वापस अपने स्टोर के तरफ पे, यहाँ पे ये आपको CVV आपको लिखना होगा, ठीक है। ये पाकिस्तान है, ये ऑलरेडी आपके जो है बायो डेटा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट ही होगा, उसको बाद फिर आपको क्या कर देनी है, सेव कर देना है। ये था आज का मुकम्मल प्लान, आप किस तरह से प्लान बाय करेंगे, किस तरह से आप अपना जो है एड्रेस वगैरह देंगे, किस तरह से ये सारा मुकम्मल डेटा आप इसको दे देंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।